कसरात के औद्योगिक क्षेत्र निमरानी मुंबई आगरा रोड पर संचालित बायोडीजल पंप को निरीक्षण के दौरान दस्तावेजों के अभाव में अनुभागीय अधिकारी की टीम ने पंप को सील कर दिया है। एसडीएम संघ प्रिया ने बताया कि शिकायतों के बाद निमरानी उद्योग क्षेत्र में मुंबई आगरा रोड पर संचालित बायोडीजल पंप का निरीक्षण किया गया। लाइसेंस लेकर अन्य कोई भी दस्तावेज उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। दस्तावेजों के अभाव में उन्होंने निरीक्षण करते हुए सभी सामान को सूचीबद्ध कर डीजल पंप को सील करने की कार्रवाई की है। कसरावास अखिल खान की रिपोर्ट। सर, ये बायोडीजल को लेकर जो निगरानी पंप के ऊपर जो कार्रवाई हुई, क्या मामला है? इसमें परसों के रोज़ तहसील कसरावत जिला खरगोन में जो एक हमारा एबी रोड है वहाँ पर पीयूसी केंद्र के पास मगरखेड़ी और निमरानी के बीच में शिकायत प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर अवैध बायोडीजल का पंप है वो संचालित किया जा रहा था किसी मित्तल के द्वारा। तो उसके संबंध में हमारी टीम से जेएसओ साहब और नायब तहसीलदार साहब ने जाके मौके पर लगभग 3-4 बजे के आसपास मौके पर जाकर कार्रवाई की है और उसमें दस्तावेज मांगे जाने पर दस्तावेज उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके संबंध में नियमानुसार संचालित न करने की अवस्था में पंप को सील करने की कार्रवाई की गई है और प्रकरण जो है विधिवत नियमानुसार दर्ज किया जाकर जिला कार्यालय को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। सर, इसमें कुछ डीजल वगैरह? इसमें अलग से तो अभी जब्ती के संबंध में विवरण में संलग्न है, डीजल वगैरह अलग से नहीं प्राप्त हुआ है, परंतु संचालन की जो शिकायत आई थी कि अवैध रूप से बिना दस्तावेज के संचालित किया जा रहा है, तो उसके संबंध में कार्रवाई की गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।